वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल गीता की रसोई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साग बनाने जा रही हूँ। अभी गैस लगा लिया। गैस के ऊपर मैं थोड़ा बड़ी, जिसे बड़ी बोलते हैं, ये मैं थोड़ा सा बड़ी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि साग में बड़ी का फ्राई बहुत अच्छा बनता है और अच्छा भी लगता है। बड़ी को निकाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं तड़का लगाने के लिए। सिंपल जीरा सरसों और सूखी मिर्ची लिए हैं। अब तेल गर्म हो गया है और तड़का डाल देते हैं। अब इसमें मैंने 10-12 लहसुन लिया है, वो डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें प्याज डाल देते हैं और इसमें अदरक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर अदरक लिया हूँ तो इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मेरून कलर की तरह फ्राई करते हैं। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, अब मेरा ये प्याज मेरून कलर का हो गया। इसके ऊपर मैं एक बैंगन लिया था, वो डाल दिया और वो जो थोड़ा सा फ्राई किया हुआ बॉडी में वो भी डाल दिया। और इसके ऊपर ये थोड़ा चला देते हैं और इसके ऊपर ये साग डाल देते हैं। ये मैंने दो मछली साग लिया, इसको डाल देते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब साग को 5 मिनट हो गया, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। साग थोड़ा सा पक गया है और इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। चला देते हैं और ये हो गया है। अब इसमें नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दब जाएगा इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। थोड़ा चला देंगे, 5 मिनट के बाद फिर से चेकअप करेंगे। अब थोड़ा इसको चला दिए, मिलने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गया, अब मेरा साग भी बन गया। मेरा साग बन के तैयार हो गया। अब आखिर में मैंने भुना हुआ थोड़ा सा जीरा है, उसको डाल देती हूँ, स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मेरा साग बन गया है, ये मेरा साग और तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।